ब्रोकटी ने हाल ही में सीएम पंक के 9 साल बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापसी के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि सीएम पंक के डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापसी करने के बाद रोमन रेंज को हराना एक चमत्कार होगा। बता दें कि सीएम पंक को साल 2014 में रिलीज कर दिया गया था एक्टिव कॉम्पिटिटर के रूप में 9 साल बाद। इसके बाद सीएम पंक ने 2021 में AEW ज्वाइन करते हुए प्रोफेशनल रेसलिंग की दुनिया में वापसी की थी। उन्हें विवाद में फंसने के बाद सितंबर 2023 में AEW से रिलीज कर दिया गया था। पूर्व AEW वर्ल्ड चैंपियन के अब वापसी होने की अफवाहें सामने आने लगी। ब्रोकर टी ने अपने हॉल ऑफ फेम पॉडकास्ट पर सीएम पंक WWE में वापसी करके अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस ऐतिहासिक टाइटल रन को खत्म करने की बात कही। उन्होंने कहा कि रोमन रेंस को WWE में वर्ल्ड चैंपियन के रूप में 1000 से भी ज़्यादा दिन बीत चुके हैं और सभी जानना चाहते हैं और वो कौन सा सुपरस्टार होगा जो रोमन रेंस को हराएगा। तब विंस रूसो ने द ब्रांड पॉडकास्ट पर इस बारे में बात की। तो उन्होंने कहा कि मैं रोमन रेंस को टाइटल हराने के लिए कैसे बुक करूंगा, मैं आपसे ईमानदारी से कहूंगा रोमन रेंस जिसके भी हाथों से टाइटल हारने वाले हैं वो इस वक्त कंपनी में मौजूद नहीं है। मेरी थ्योरी यह है कि आप टाइटल उस सुपरस्टार को दे दो जो कि सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। कोई भी रोमन रेंस से ज़्यादा लोकप्रिय नहीं है, इसलिए उन्हें हराने वाला शख्स वहाँ मौजूद नहीं है। वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों।